वेलकम टू स्टेप अप आईएएस नेहरू एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 18 सितंबर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने ऐसे राइटिंग का कोटेशन और फैक्ट हमारे सामने है। आज जो कोटेशन है वो एजुकेशन पर लिया गया है। एजुकेशन कहाँ पर है आपके सिलेबस में? यह है जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस वाले सेक्शन में। तो एजुकेशन पर ऐसे राइटिंग में भी आपको क्वेश्चन आते हैं और आंसर राइटिंग वगैरह में तो आता ही है। सो एजुकेशन इज़ द बेस्ट फ्रेंड, एन एजुकेटेड पर्सन इज़ रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड द यूथ। ये कोटेशन है किसका? तो ये कोटेशन किसी और का नहीं बल्कि चाणक्य का लिखा हुआ है। तो आप उनके कोटेशन को जब भी कोट करना चाहें एजुकेशन के परस्पेक्टिव में, तो आप ये कोटेशन लिख सकते हैं। उन्होंने इकोनॉमी पर ही बेस नहीं बल्कि इन मुद्दों पर भी कोटेशंस लिखे हैं। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि बहुत अच्छा दोस्त अगर आपको बनाना है तो वो आपका एजुकेशन बन सकता है। और इसके अलावा अगर आपको रिस्पेक्ट पाना हो हर जगह पर, तब भी एजुकेशन ही आपका एकमात्र सहारा बन के आता है, जिससे कि आप किसी को भी हरा सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक डाटा देख लेते हैं जो एजुकेशन पर ही बेस्ड है। नीति आयोग ने सजेशन दिया है कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो बढ़नी चाहिए एजुकेशन सेक्टर पर, और ये अगले 2022 तक पहुँचते पहुँचते GDP का 6% हो जाना चाहिए। मतलब 3% और बढ़ाना पड़ेगा GDP का अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में एजुकेशन व्यवस्था अच्छी हो, सारे बच्चे जो हैं वो एजुकेटेड हो जाएं, और ओवरऑल जो अलग अलग इंडेक्स है कंट्री लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ पर हम अच्छा परफॉर्म करें तो GDP के परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा एज़ पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है, 2022 तक। तो ये फैक्ट है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं आज। अभी जो अगला आर्टिकल है उस पर आपको दो सवाल दिए गए हैं और दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको आपको लिखना है 250 शब्दों में। दोनों ही क्वेश्चन है 250 वर्ड के, इसमें आपको ट्राई करना है। यहाँ पे दो क्वेश्चन इसलिए दिए गए हैं बिकॉज ये टॉपिक अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी हाइड्रोकार्बन फैसिलिटी में जो प्रॉब्लम आई है, वहाँ पर जो ड्रोन से अटैक किया गया है, तो एक तो इसका इम्पैक्ट, जो प्रोबेबल इम्पैक्ट इंडिया पर हो सकता है, आपको वो बताना है। दूसरा सवाल पूछा गया है कि मिडिल ईस्ट रीजन में अभी ये जो टेंशन ही ऑब्वियसली क्रिएट हो गया है, एक तो ऑलरेडी ईरान के साथ टेंशन चल रहे थे और अब जब ये एक और स्टेप लिया गया है, तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या इंडिया एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है, एक्टिव रोल प्ले कर सकता है उस रीजन की पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए या फिर दोबारा से एस्टैब्लिश करने के लिए। तो आपको दोनों ही सवालों के जवाब लिखने हैं और आइए इसी पर बेस्ड हम आर्टिकल को देखते हैं। द फायर्स ऑफ अरेबिया, इसमें आप जीएस पेपर 2 में एसोसिएट करें। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो ये जो वहाँ पर, अब देखिए ये इंडिया में तो कुछ भी नहीं हुआ है इस पूरे अगर हम न्यूज़ की बात करें तो, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर आने वाला है इकोनॉमिक टर्म्स में खास करके। तो इंट्रोडक्शन में हम जैसा कि जानते हैं इस मुद्दे के बारे में, सऊदी अरेबिया में जो हाइड्रोकार्बन फैसिलिटी और लार्जेस्ट फैसिलिटी है वहाँ पर अरामको, वहाँ पर ये अटैक किया गया है ड्रोन से, और ये अटैक है यमन में रहने वाले हौथी रिबल्स जो हैं उन्होंने क्लेम किया है कि अटैक उनके द्वारा किया गया है। अभी हम इसको इमेज में देखेंगे कहाँ पर ये रहते हैं और इसके बाद क्या जवाबी कार्रवाई हो सकती है, ये तो आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है उस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि सऊदी अरेबिया ने कहा है कि जो प्रोडक्शन है उसको फिर से बढ़ा लिया जाएगा, शॉर्टफॉल नहीं होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है जो अदर इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो डैमेज है बहुत ही सीरियस डैमेज है और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा 5.7 मिलियन बैरल के अप्रॉक्स जो है एक दिन के हिसाब से जो प्रोडक्शन है उस पर फ़र्क पड़ेगा, कम हो जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी प्रोडक्शन कम होने की वजह से। एंड इसमें दो फैक्टर सामने आ रहा है। पहला तो ये फैक्टर है कि ड्रोन अटैक हैव एक्सपोज द मैसिव वल्नरेबिलिटी ऑफ द सऊदी ऑयल प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है कि एक ड्रोन से अटैक करके अगर इतने बड़े हाइड्रोकार्बन फैसिलिटी को हार्म किया जा सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि सऊदी का जो ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी और अलग ड्रोन्स है वो कितने वल्नरेबल सेक्शन है, कि हौतीज़ जो है उन्होंने फिर से ये हौतीज़ ने प्रॉमिस किया है कि फिर से अटैक किया जाएगा सऊदी अरेबिया पर, ताकि ये जो 4-year-old वॉर चल रहा है उनके खिलाफ उसको आगे कंटिन्यू किया जा सके। तो दोनों ही सोचने वाली बात है। अब यहाँ पर थोड़ा सा
तो आइए इसमें थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि आखिर ये लड़ाई क्यों चल रही है। इसके लिए हमें एक बार मैप की तरफ जाना पड़ेगा, फिर हम इस बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। मैप में आपको क्लियर कट दिख रहा है सऊदी अरबिया का सेक्शन, और यहाँ पर है ईरान और इस तरफ है यमन। यमन का जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर यहाँ गल्फ ऑफ अडन और रेड सी को कनेक्ट करने वाला बाबल मंडेब यहीं पर है, और ये यमन जो है टेरिटरी शेयर करता है ओमान और सऊदी अरबिया के साथ। तो इसलिए इसका जो इम्पोर्टेंस इस लोकेशन का बहुत ज़्यादा है, और अटैक कहाँ पर हुआ है, सऊदी अरबिया में अटैक हुआ है। इसको आप ध्यान से देखना चाहें तो ये पूरा लोकेशन है जहाँ पर अटैक किया गया है। क्लेम किया है जो हुतीज़ लोग हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि इनके द्वारा ड्रोन बना करके और यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। तो लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें जहाँ पर अटैक हुआ है तो इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से ड्रोन से अटैक करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि किसी और जगह का सहारा लिया गया है इस ड्रोन से अटैक करने के लिए। हालांकि जो अदर नेशंस हैं, अदर नेशन मतलब कि ईरान, चूँकि ईरान पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, और जो फ्रेंड कंट्रीज़ हैं सऊदी अरबिया में, जैसे कि सऊदी अरबिया खुद, ये जो कंट्रीज़ हैं इस पर क्लेम कर रहे हैं। साथ ही इराक के ऊपर भी शक जाहिर किया जा रहा है, लेकिन इराक ने क्लियर कट ये कह दिया कि उनके ज़मीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है ऐसे किसी भी कार्रवाई को करने के लिए। तो अब ये पूरा जो रीज़न है वो आज टेंशन में आ चुका है। इसके पीछे का बैकग्राउंड अगर हम जाने, ना सिर्फ यमन बल्कि ईरान को भी शामिल कर लिया गया है एक प्रॉक्सी वॉर में, और ये वॉर देखा जाए तो बहुत पुराना है, ये आज का वॉर नहीं है। सऊदी अरबिया जो है वो सपोर्ट करता है यमन के गवर्नमेंट को, और यमन में ही ये होती रिबल्स पीपल रहते हैं जो कि अगेंस्ट में रहते हैं सऊदी अरबिया की जो आइडियोलॉजीज़ है और उनका जो एक्शन होता है यमन के लोगों के लिए उसके खिलाफ, जिसलिए ये लोग आवाज़ उठाते हैं और इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जा सके सऊदी अरबिया का। और इसमें अब दूसरी तरफ यूएस है, यूएस का क्या डिसीजन होता है, क्योंकि यूएस ने पूरी तरीके से ब्लेम किया है ईरान को, और काफ़ी भड़कीले बयान भी आए हैं यूएस के अदर ऑफिशियल्स और वहाँ के प्रेसिडेंट का। तो अब इस पे आगे देखने वाली बात होगी कि क्या स्टेप्स लिया जाता है, बिकॉज़ अभी इसमें और जो भी है खोजबीन ये सब जारी है कि आखिर ये जो इस्तेमाल हुआ है ड्रोन का वो कहाँ से हुआ है, क्योंकि यमन से इस ड्रोन को पहुँचाना उस रीजन में, सऊदी अरबिया के उस रीजन में जो कि बहुत दूर है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में सऊदी अरबिया का क्या स्टेप होगा ये, और उसके बाद यूएस का क्या एक्शन होगा, ये सब अभी देखने वाली बात है। तो इन शॉर्ट जो सिचुएशन है बहुत ही टेंशन भरा हो चुका है वहाँ पर, और सिर्फ वहाँ की सिक्योरिटीज़ और पीस ही हैम्पर नहीं हुआ है, बल्कि इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी पर पड़ने वाला है, वर्ल्ड की इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। नाउ अब इस अटैक का इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होगा, इंडिया की बात करें तो पहला जो इम्पैक्ट होगा वो सप्लाई कम हो सकता है, जो ऑयल सप्लाई है उस पर इसका असर पड़ेगा। और इससे इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि इराक के बाद सऊदी अरबिया इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल के मामले में। हम किसकी बात करें, इंडिया के ऊपर पड़ने वाले इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें बैकग्राउंड मालूम है तो जब से यूएस ने सेंक्शन इम्पोज किया है ईरान पर, हम तब से ईरान से जो तेल है वो नहीं खरीद पा रहे हैं, क्रूड ऑयल नहीं खरीद पा रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे लिए काफ़ी सस्ता और अच्छा हुआ करता था। लेकिन उसके बाद हम जब सऊदी अरबिया की बात करते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है आज इंडिया के लिए क्रूड ऑयल का। अब अगर सप्लाई कम हो गया तो इसका इम्पैक्ट तो जाहिर तौर पर भारत पर पड़ने वाला है। इसके अलावा दूसरा क्या इसका असर पड़ेगा, तो प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ने के साथ ही जो इंडिया की फाइनेंशियल स्थिति है वो और गड़बड़ हो सकती है। जो केयर रेटिंग संस्था के व्यक्ति हैं उनका ये कहना है कि एक एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है इसमें कि 1.6 बिलियन बैरल तक का जो क्रूड ऑयल है, अगर उस पर $1 के हिसाब से भी वृद्धि हुई, ठीक है, जो इम्पोर्ट हम करते हैं वहाँ से सऊदी अरबिया से जो ऑयल इम्पोर्ट किया जाता है क्रूड ऑयल को, अगर उसमें $1 की भी वृद्धि हुई तो भारत को पूरे तौर पर $1.6 बिलियन का उनका जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ जाएगा। एक तो सप्लाई क्राइसिस हो जाएगी, दूसरा क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा, और इसका सीधा इम्पैक्ट कहाँ पड़ने वाला है, फिस्कल बैलेंस में पड़ने वाला है। और हम कैसे क्रूड ऑयल को मंगाते हैं, जब हम क्रूड ऑयल को मंगाते हैं तो बदले में हमें डॉलर देना पड़ता है, क्योंकि सारा जो एक्सचेंज होता है बाहर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो
डॉलर के टर्म में होता है। तो हम जब इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और डॉलर ज़्यादा भारत से बाहर जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि रुपए की स्थिति जो है वो और ख़राब होती नज़र आएगी, क्योंकि ऑलरेडी रुपया जो है वो कमज़ोर है। आज डॉलर के कंपैरिजन में रुपए की जो कीमत है वो बहुत कम हो गई, मतलब 1 डॉलर पे भी 74 अप्रॉक्स रुपीज़ चल रहे हैं। तो ऐसे में सीधा सीधा इम्पैक्ट वहाँ भी पड़ेगा, फिस्कल बैलेंस गड़बड़ हो सकता है, और इसका इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट में आ सकता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है भारत का वो गड़बड़ हो सकता है। तो इस तरीके से कई सारे अलग अलग इम्पैक्ट हैं जो इंडिया पर पड़ने वाले हैं इस अटैक के बाद। और इंडिया की बात करें, इस वक्त तो ऑलरेडी स्लो डाउन की कंडीशन आई हुई है, और अदर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफ़ी डाउन में चल रहा है। तो ऐसे में जब क्रूड ऑयल महंगा होने वाला है और ये स्थिति पूरे विश्व में बन रही है, तो कौन व्यक्ति है जो नया कार खरीदना चाहेगा, या ऐसे कोई क्रूड ऑयल बेस्ड चलने वाली जो चीज़ें हैं उस पर जाना चाहेगा। तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, और उस इस स्थिति के बाद और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में जा सकती है। तो ये सारे प्रोबेबल इम्पैक्ट्स हैं जो इंडिया के ऊपर पड़ सकते हैं। नाउ अमेरिका की तरफ देखें, तो अमेरिका क्या विन विन सिचुएशन में है क्या? तो नहीं, अमेरिका भी लॉस लॉस सिचुएशन में है, क्योंकि अभी अगर हम बैकग्राउंड पे जाकर के देखें तो अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अभी लास्ट अगले साल 2020 में अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है, और अमेरिका की जो अभी नीति है उसके अकॉर्डिंगली, खास करके जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया था प्रेजेंट डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के वक्त, वो यही था कि अननेसेसरी खर्च नहीं किए जाएंगे इन चीज़ों पर जो आज तक अमेरिका करता आया है। तो अब अमेरिका बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि किसी दूसरे देश में जा कर के और वहाँ की पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करे और वहाँ पे जाके ज़्यादा खर्चा करे। तो अब इस प्रॉब्लम के बाद फिर से अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है कि अब वो क्या करे, अब उसके सामने क्या ऑप्शंस बचते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो कि बहुत अच्छा दोस्त है अमेरिका का, और उसमें दूसरी तरफ ईरान के साथ टेंशन चल रही है, और ये जो अटैक है उसमें ईरान के ऊपर शक जाहिर किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ एक तरफ अमेरिका इन कंट्रीज से में ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना चाहता है बिकॉज ऑफ देयर इलेक्शन, तो अब उनका क्या स्टेप होगा? तो ये लॉस ऑफ सिचुएशन अमेरिका के लिए भी क्रिएट हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में टेंशन अगर बढ़ता है तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की ही प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि अमेरिका के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वहाँ पे किस तरीके का पॉलिटिकल डिसीजंस लिया जाएगा, ये सब आगे तय किया जाएगा। तो ये सिचुएशन आज पूरे विश्व में बन चुका है। आगे कंक्लूजन बताया जा रहा है कि अब ये जब स्थिति है तो इसमें इंडिया का क्या रोल होना चाहिए। देखिए, आज इंडिया की बात करें तो वो मिडिल ईस्ट के ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब के साथ काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है भारत का, और वहाँ पर इंडिया को आज आगे बढ़ कर के आना चाहिए, ना कि एक पैसिव ऑब्जर्वर की तरह देखते रहना चाहिए। जैसे कि ईरान के केस में भी जब सेंक्शन लगाया गया है तो भारत ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कुछ समय के बाद एक्सेप्ट कर लिया, और वहाँ से अभी हम जो बिजनेस है उसको हमने ब्रेक किया हुआ है। तो ये स्टेप्स जो है हो सकता है आगे चल के भारत के खिलाफ भी जा सकता है, क्योंकि जो अदर नेशन जैसे कि जापान है, यूरोप है, वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गल्फ नेशन में शांति लाया जाए और फिर से जो एक इकोनॉमिक रिलेशन था उसको डेवलप किया जाए। वैसे ही इंडिया को भी एज अ फ्रेंड, एज अ गुड नेशन, एज अ सॉफ्ट पावर अगर आगे लीड करना है तो इनको भी आगे आना होगा, और पैसिव ऑब्जर्वर ना बनने के बजाय एक एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा वहाँ की पीस एंड सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन कोचिंग के बारे में है, आगे हम लोग कई और आर्टिकल्स को देखेंगे। देखिए, नया बैच कल स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ थर्सडे, एथिक्स के सब्जेक्ट से। तो अगर आप में से किसी को मॉड्यूल ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस का ग्रुप ज्वाइन करना हो जो नया स्टार्ट हो रहा है 2020 को टारगेट करते हुए, और ये अभी मैं ऑफलाइन के लिए अनाउंस कर रही हूँ, ऑनलाइन के लिए आपको जल्द ही बताया जाएगा। जो लोग दिल्ली में हैं या दिल्ली आ रहे हैं वो अप्रोच कर सकते हैं, तो ये गिवन कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कर लें। और ग्रोथ, इसको लिखा है डी सुब्बा राव साहब ने, जो हमारे फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई में, तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने कही हैं फाइनेंस मिनिस्टर को एक लेटर के तौर पर, और वही हम डिस्कस करेंगे। जी, इस पेपर 3 में इकोनॉमी वाले सेक्शन में गवर्नमेंट बजटिंग से आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल लिखा जा रहा है इसमें इसको एक लेटर की तरह लिखा गया है, और कई सारी बातें फाइनेंस मिनिस्टर को डायरेक्टली ये कह रहे हैं। इनका कहना है कि सबसे पहले आपको एक फ्रेश और एनर्जेटिक माइंड से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के डॉलर के रोडमैप को तैयार करना चाहिए,
और उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपके सामने बिगेस्ट चैलेंज आए हुए हैं इकोनॉमी को हैंडल करने का, उसको भी बहुत ही शांतिपूर्वक आपको हैंडल करना होगा। तो आपके सामने कई सारे सुझाव आ रहे हैं, सोच समझ करके आपको उसका फैसला लेना होगा कि आपको कौन सा डिसीजन आप लें, ताकि आपके आपका जो ये एम्बिशन है पूरी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, वो सक्सेसफुल हो पाए। क्योंकि आज के समय में जिस एक तरफ तो हाईएस्ट लेवल पर ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, वहीं पर इंडिया की बात करें तो एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो गया है, इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग सेक्टर ही है या फिर NBFC का सेक्टर है, वो सब अभी स्ट्रेस्ड कंडीशन में है। और दूसरी तरफ RBI ने एक मैसिव पंपिंग स्टार्ट किया है, मतलब वो चाहते हैं कि लिक्विडिटी को मार्केट में लाया जाए, पैसा इन्फ्यूज़ किया जाए मार्केट में। तो ये सब जब कंडीशन बन रहा है, तो क्या ये सब सही दिशा में जा रहा है? और इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को क्या नहीं करना चाहिए, ये ऐसा नहीं बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, बता रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। सो बहुत सारे लोग हैं जो आपको अलग अलग तरीके से सुझाव दे रहे हैं। उनका कहना है कि फिजिकल स्टिमुलस को आप लेकर के आइए। फिजिकल स्टिमुलस का मतलब होता है सरकारी खर्चे, मतलब सरकार को एक्सपेंडिचर बढ़ाए जाने चाहिए, जबकि इनका ये मानना है कि आपको बिल्कुल भी फिजिकल स्टिमुलस को लॉन्च नहीं करना चाहिए। ये जो स्टेप है वो आगे चल करके नुकसानदेह हो सकता है, एंड फिस्कल स्पेस आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा खर्चा कर पाएँ। और जैसा कि आप जानते हैं, आपको खुद भी मालूम है कि फिस्कल डेफिसिट जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, जो कि ऑलरेडी ज़्यादा है, आपके बजट में जो एक्सपेक्टेशंस था उसे एक लिमिट से ज़्यादा ही है फिस्कल डेफिसिट, और उससे ज़्यादा करना आगे चल करके नुकसानदेह होगा। सो टैक्स रिसीव जो है वो जितना एस्टिमेट किया गया था उतना नहीं आया, मतलब जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है और आप इसमें खर्चा ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हालांकि आपको सुझाव इस तरीके से दिया जा रहा है, तो इसमें बहुत सोच समझ करके फैसला लेने की ज़रूरत है। अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको बता रहे हैं कि क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, अदर पीपल जो हैं वो क्या कह रहे हैं, और इनका उस पर क्या विचार है। सबसे पहले ये एक बैकग्राउंड बताने की कोशिश करते हैं कि करंट एक्सपेंडिचर को निकालने के लिए बोरोइंग करना, मतलब अगर आप अभी का खर्चा निकालना चाहते हैं उसके लिए आप उधार ले लें, तो ये सस्टेनेबल अप्रोच नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने नॉर्मल डेली लाइफ को अज्यूम करके देखें, तो आप डेली का खर्चा करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके रोज़ का खर्चा ₹100 का है, और आपको ये पता है कि मंथ के एंड में या मंथ की शुरुआत में आपके पास कुछ पैसे घर से भेजे जाते हैं, अप्रॉक्स ₹10,000 आपके पास भेजे जाते हैं, तो आप अगर आपको ये श्योर है तो आप किसी और से कर्ज ले सकते हैं कि चलो जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं उसको लौटा दूंगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि पैसे आपके पास कहीं से नहीं आने वाले हैं और आप डेली के ₹100 के खर्चे के लिए किसी और से उधार लेते हैं ₹100, तो जाहिर सी बात है ये सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज आप उसको कैसे लौटाओगे इसका आपके पास कोई रोड मैप नहीं होगा। तो करंट एक्सपेंडिचर को निकालने के लिए अगर आप बोरोइंग करते हैं तो वो सस्टेनेबल मेथड नहीं माना जा सकता है, और ये डैमेज करेगा आगे चल करके इकोनॉमी को, और इसका एक बहुत भारी हमें जो प्राइस है वो पे करना पड़ सकता है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि अदर्स लोगों ने, अदर इकोनॉमिस्ट के क्या विचार हैं, और डी सुब्बाराव जी ने इस पर क्या कहा है। अदर इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि फिजिकल स्टिमुलस करना चाहिए, मतलब जो एक्सेस फंड है मार्केट में वो लाया जाना चाहिए, हायर इन्फ्लेशन, हायर इंटरेस्ट रेट दैट विल क्राउड आउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, जैसे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग डीमोटिवेट हो गए हैं आज, तो हमें मार्केट सेंटिमेंट्स को अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है, और जब हम मार्केट सेंटिमेंट्स को अच्छा करेंगे तो वो हमारे यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम स्टिमुलस के रूम को चुने, हम खर्चा करें वहाँ पर। लेकिन डी सुब्बाराव जी का कहना है कि ये सस्टेनेबल अप्रोच नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, और ऐसा पास्ट में कई बार हो चुका है जब आपको ये लगता है कि ये वाला टाइम अलग है, चलो इस टाइम पर हम एक्सेस खर्चा कर देते हैं, बाद में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं और हम ऑलमोस्ट क्राइसिस पर पहुंच जाते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को मानने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। दूसरा इनका कहना है, जो स्टिमुलस सपोर्टर हैं, जो चाहते हैं कि खर्चा करे सरकार, वो कई तरीके का आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि इंडिया का जो डेट टू GDP रेशियो है वो अभी काफ़ी लो है दूसरे देशों के कंपैरिजन में, मतलब हमारे यहाँ पर जो डेट है, जो उधार है GDP के कंपैरिजन में, वो उतना ज़्यादा अभी नहीं है।
दूसरे अगर हम देशों की बात करें तो वो तो और बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं। तो भारत को इसीलिए खर्चा कर देना चाहिए और आगे चल करके चीज़ें जब ठीक हो जाएंगी तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुब्बाराव साहब कहते हैं कि इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे देश का अगर जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है तो हम भी उसी पथ पर आगे चलें, क्योंकि हम अपने यहाँ के कंडीशंस को जानते हैं। यहाँ के जो पैरामीटर्स होते हैं वो सब डिफरेंट है, बिकॉज़ हम एक बहुत बड़ी कंट्री हैं। एंड इंटरनेशनल कंपैरिजंस करने के लिए जो फैक्टर्स, जो मीटर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो सब अलग-अलग होते हैं, तो इसलिए हमें मिसलीड होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा ये आर्ग्यूमेंट बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि फिस्कल डोव विल मेक इज दैट इट वुडेंट हेडेड टू रिमेन कमिटेड टू फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन द इकोनॉमी इज इन सीरियस डाउन टर्न। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, कुछ कह रहे हैं कि जब आप पैसा लगाते हैं तो ये एक साइकिल की तरह होता है। ठीक है, साइकिल जब आपका, जैसे कल हमने एक डिस्कस किया था कि जब साइक्लिक स्लो डाउन आता है तो एक समय, जैसे मान लीजिए अचानक से बहुत कम हो गया खरीदारी, कार वगैरह कम लोग खरीदने लग गए, लेकिन जब मार्केट सामान्य लेवल पर गया, लोन वगैरह सस्ता हुआ, तो फिर लोग कार वार ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे। तो ये सिचुएशन आती है और इसको हम साइक्लिक सिचुएशन बोलते हैं, साइक्लिक स्लो डाउन बोलते हैं, जो 5 साल 6 साल तक डाउन में चलता है और उसके बाद फिर अप में चलता है, इस टाइप से चलता रहता है। नाउ वही सेम चीज़ यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है कि जो खर्चा है वो कर देना चाहिए, बिकॉज हम चीज़ों को तभी ठीक पर कर पाएंगे जब मैक्सिमम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा। इस बुरे वक्त से निकलने का एक अच्छा मार्ग यही हो सकता है कि हम मैक्सिमम स्पेंडिंग करें। अब यहाँ पे सुब्बाराव साहब कहते हैं, फिर से इस आर्ग्यूमेंट को वो काटते हुए कहते हैं कि ये एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नहीं है किसी भी एंगल से, एंड विच फाइनेंस मिनिस्टर विल टेक द पेन ऑफ सेविंग टू था है, लेकिन हमें अभी वेट करने की आवश्यकता है, मतलब जब चीज़ें ठीक हो तब जा करके फिर से स्पेंडिंग पर ध्यान दिया जाए। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स इन्होंने कहे हैं। इसके बाद आगे कहा जाए, क्राइसिस देख चुके हैं या उनके लिए जो डेफिनेशंस होते हैं ग्रोथ के, ये सब अलग हो सकते हैं, बट इंडिया के लिए ये सारे डेफिनेशन डिफरेंट हैं, तो हमें उसी हिसाब से सोचने की आवश्यकता है और कहीं और से आइडियाज़ ले करके उसको इम्प्लीमेंट कर देना सही नहीं है। फिर है आइडेंटिटी फिक्सेशन, इसको हम एसोसिएट करेंगे जीएस पेपर वन में। एनआरसी वाले मुद्दे को डिस्कस किया जा रहा है कि अब फिर से कुछ और राज्य हैं जो एनआरसी को लाना चाहते हैं। अब इसी पर बताया जा रहा है, खास करके हरियाणा और यूपी, इस दो राज्यों में इस बात की डिमांड चल रही है कि एनआरसी को यहाँ पर भी लाया जाए आसाम के तर्ज पर। जैसे आसाम में एनआरसी क्रिएट किया गया, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन बनाया गया, वैसे ही इन राज्यों में भी ये होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल में इसके अगेंस्ट में बातें लिखी हुई हैं। इनका कहना है कि असम का जो सिचुएशन था वो डिफरेंट था। एनआरसी को इंट्रोड्यूस करते वक्त 1951 में जो एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं वो मेंशन कर दिया गया था कि असम में जो एक्सेप्शनल कंडीशन है उसके लिए इस एनआरसी को लाया जाना होगा। तो क्या इस बात से अवगत नहीं है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश? और इसके बाद एनआरसी के जो सिचुएशन है वो तो सभी ने देखा है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है लोगों को, और आज भी कोई फुल प्रूफ नहीं मिल पाया है कौन वहाँ पर सिटीजन है कौन वहाँ पर नहीं है, और ओवरऑल इस रजिस्टर को मेंटेन करने में जो गड़बड़ी हुई है वो आज भी देखने को मिल रही है। टारगेट करते हुए कहा जा रहा है, क्योंकि जनरल इलेक्शन के कैंपेन में ही इनके स्पीच में बहुत सारी बातें कही गई थी। हालांकि ये प्रॉमिस किया गया था कि एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स के बावजूद भी कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा जाएगा रिलीजियस ग्राउंड्स पर, लेकिन वहाँ पर जब हम असम के एनआरसी लिस्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल आज भी छूटे हुए हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि एनआरसी में कई सारे फ्लॉज हैं, अभी जो डॉक्यूमेंटेशन बनाया गया है, जो तैयार किया गया है। असम की बात करें तो वहाँ की हिस्ट्री बहुत टॉर्चरस रही है। मिड 19th सेंचुरी से वहाँ पर जिस तरीके अप्स एंड डाउन्स आए और कैपिटल लेबर का इन्फ्लक्स हुआ, बाहर से माइग्रेंट्स वहाँ पर आए, तो वहाँ की ज्योग्राफी पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा, वहाँ का कल्चर जो है वो काफ़ी अफेक्टेड हो गया इस बात से। तो असम की कंडीशन बहुत अलग थी, लेकिन आज जब ये एनआरसी तैयार किया गया है तब भी लोगों के पास सिक्योरिटी कम बल्कि एंग्जाइटी ज़्यादा है। वहाँ के जो लोग हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी कम लेकिन डर ज़्यादा है। इसमें कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि क्या गवर्नमेंट आज क्या चाहती है, या जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या चाहते हैं। अभी असम की बात करें तो एक्सपेक्टेड ये था कि 10 लाख से 2 करोड़ तक के जो लोग हैं, इमिग्रेंट्स हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन एनआरसी में 19 लाख लोग हैं जो लिस्ट से बाहर हैं,
और वो भी डिससेटिस्फाइड प्रोसेस से, क्योंकि प्रोसेस में बहुत सारे लूप होल्स बाद में नज़र आ रहे थे कि किसी का नाम है, किसी के सिब्लिंग्स का नाम है तो उसका नाम नहीं है, किसी के फादर का नाम है उसके बच्चे का नाम नहीं है। तो ये जो 19 लाख लोगों को बाहर किया गया है वो डिससेटिस्फैक्ट्री वे में आज भी लोगों के मन में कई सारे सवाल छोड़ता है और उनको एंग्जाइटी और फियर भरे माहौल में छोड़ दिया गया है। उनके पास कोई अगला ऑप्शन नहीं है कि अब वो क्या करें, क्या ऑप्शंस उनको हो मिलेगा। और इस तरीके से जब दूसरे गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि उनके यहाँ पर ये NRC आए, तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं आज वो अपने अपने स्टेट में, अपने राज्य में अपॉर्चुनिटी के लिए काम करना चाहते हैं या फिर बस इलीगल माइग्रेंट्स को रख करके अपनी जो सत्ता है उसको बचाना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि जो यंग पॉपुलेशन है आज भारत में, उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और उनके लिए सोचा जाए, ना कि ये जो अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं, इसके और कई अलग वे हो सकते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स को कैसे हम, अगर उस राज्य में है तो कैसे उसको वहाँ से हटाया जाए, या जो वहाँ के लोग हैं, जैसे कि कई सारे अलग अलग एडिटर्स ने बातें लिखी थी कि अगर आपको उस राज्य के लोकल लोगों के राइट्स को प्रिजर्व करना है तो आप उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था लाएं, आप उनके लिए लैंड को रिजर्व कर दें, अपॉर्चुनिटीज़ को रिजर्व कर दें, आप एम्प्लॉयमेंट वहीं के लोगों को प्रोवाइड करें। तो जाहिर सी बात है जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो डीमोटिवेट हो जाएंगे इस बात से और वो खुद ही उस जगह को छोड़ देंगे। तो ये अप्रोच हो सकता है कि काम करे, लेकिन ये जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो ऑलरेडी भारत में एक तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या है और यहाँ पर जो ऑफिशियल्स काम करते हैं उसमें समहाउ, हालांकि हम ऐसे स्टेटमेंट को लिख नहीं सकते आंसर राइटिंग में, जो फैक्ट है वो यही है कि कई सारी गड़बड़ी बाद में निकल करके आती है, क्योंकि मैनमेड वर्क होता है और उसमें दिक्कत आती ही है और उसके बाद हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता उसको ठीक करने का। तो फिर दोबारा से जो लोग होते हैं, जो पीड़ित लोग होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद फिर फैसला आता है और कई साल बीत जाते हैं इसी चक्कर में। तो इसलिए जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको बहुत सोचने की ज़रूरत है कि व्हाट दे वांट एक्चुअली फॉर देयर पीपल। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, आर्टिकल 44 DPSP में मेंशनड है। तो पेपर वन में साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी में आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं आर्टिकल में क्या कहा गया है। इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उनकी ये इच्छा थी कि एक समय में भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, क्योंकि ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी इसको कैसे वो मेंटेन करते हैं और पूरे भारत में सेम लॉ होगा, सभी लोग सेम लॉ के अंतर्गत कार्य कर रहे होंगे और इसको जो एपेक्स कोर्ट है उसको प्रिस्क्राइब करना होगा। लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। भारत में ऐसे अलग अलग कई सारे पर्सनल लॉज, फैमिली लॉज बने हुए हैं जो आज भी एप्लीकेबल हैं। कहीं पर भी ये सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का विचार दोबारा नहीं रखा गया है, एक्सेप्ट गोवा। गोवा की बात करें तो वहाँ पर अभी एक शाइनिंग एग्जाम्पल है ये कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है। लेकिन आर्टिकल में ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है, क्या वो इंडिया का जो, या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तो उसके हिसाब से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या वो वहाँ पर मेंटेन्ड है। तो देखिए, हम जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 44 में आता है DPSP में, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है, तो प्रिलिम्स के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसके अकॉर्डिंगली सभी सिटीजन्स के लिए समान रूल लागू होंगे। यहाँ पे हम सिविल कोड की बात करें, ठीक है, क्रिमिनल लॉज अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सिविल लॉज जो होंगे वो सेम होंगे और जो पर्सनल लॉज वगैरह होंगे वो सब हट जाएंगे अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को एप्लीकेबल बनाते हैं तो भारत में। अब ये ऐसा अभी तक हुआ नहीं है तो उसके पीछे का क्या कारण है। आर्टिकल में कहा जा रहा है जैसे इस सिविल कोड का क्या मतलब होता है कि सिविल मैरिज एप्लीकेबल कर दिया जाएगा और उसके जो डाउरीज वगैरह हैं उसको बैन कर दिया जाएगा, महिलाओं के और उनके प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस को कम करने के लिए काम किया जाएगा, चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये इस तरीके के कई अच्छे अच्छे काम हैं जो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के बाद अप्लाई हो सकता है पूरे भारत में और यहाँ की जो विभिन्नता है उसको मेंटेन किया जा सकता है, एकता को मेंटेन किया जा सकता है। लॉज में होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया,
लेवल पर, लेकिन जब तक कि जो लोकल लॉज हैं वो एप्लीकेबल होंगे तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल नहीं हो सकता। बट अगर हम बात करें उन जगह की जहाँ पर कि ये ऑलरेडी लगा हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी मेंटेन्ड है, तो ऐसे में जो कोर्ट है उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि 152 ईयर ओल्ड पोर्टुगीज सिविल कोड इन द फोर्स इन गोवा एंड दमन एंड दीव इज़ नॉट इवन अप्लाइड यूनिफॉर्मली। कहा जा रहा है कि जो गोवा एंड दमन दीव में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है वो भी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल नहीं है, जो कि आज से 152 ईयर पुराना लॉ है। अब अगर इतना पुराना वहाँ पर लॉ, हिस्ट्री की बात करते हैं, ये कि जब पोर्टुगीज़ वहाँ पर रूल कर रहे थे गोवा एंड दमन दीव में 16th सेंचुरी में, तभी उन्होंने वहाँ पर वो कोडिफाइड लोकल कस्टम को बनाया था और उस रूल को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था। आगे आर्टिकल 8 जो कि रॉयल डिग्री ऑफ 1869 का है, उसमें पोर्टुगीज़ हैड एक्सटेंडेड देयर 2 ईयर ओल्ड सिविल कोड टू देयर इंडियन पोजिशन। तो जहाँ पर पोर्टुगीज़ लोग रह रहे थे इंडिया के उस हिस्से में, उन्होंने अपना जो सिविल कोड बनाया था उसको अप्लाई किया आर्टिकल 8 के तहत, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में वो लोग भारत से चले गए और 1961 में जब गोवा एंड दमन दीव को मिला लिया गया भारत में यूनियन टेरिटरीज की तरह, बाद में गोवा को स्टेट बनाया गया, राज्य बनाया गया 1987 में, तब भी वहाँ पर ये जो पोर्टुगीज सिविल कोड है वो एप्लीकेबल है, उसको हटाया नहीं गया। कहा जाता है कि गोवा को स्टेट बना दिया गया या फिर न्यूली फॉर्म यूनियन टेरिटरीज जब बना था बाद में उसको स्टेट बना दिया गया, लेकिन 19th सेंचुरी में वहाँ के लीगल कल्चर जो कि पोर्टुगीज़ के द्वारा अप्लाइड थे उसको हटाया नहीं गया। तो इसका क्या सेंस बनता है कि आज वहाँ पर 58 ईयर हो चुके हैं जब वो नेशन में मिल चुका है, भारत में मिल चुका है, असिमिलेट हो चुका है, और उसके बाद भी वहाँ पर अदर फॉरेन ओरिजिन का लॉ एप्लीकेबल है। अब इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके कि राइट्स जो हैं वो हैम्पर हो रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट गोवा एंड दमन दीव। कहा जा रहा है वहाँ पे जो अदर कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं उनके उनके जो राइट्स हैं वो कैसे वॉयलेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द दैट ओल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे कि बुद्धिस्ट लोग हैं, जैन, सिख, जो लोग वहाँ पर प्रीडोमिनेंटली रहते हैं, जो पॉपुलेशन वहाँ पर गोवा एंड दमन दीव में रहते हैं, उनके राइट्स हैम्पर होते हैं क्योंकि उनके लिए बाकी सारी जगह पर अलग राइट्स रखे गए हैं, लेकिन चूंकि गोवा वगैरह में वही पुराना कानून चलता आ रहा है तो इसलिए उनके अधिकार जो है उनको नहीं मिल पाते। तो ये भी कहीं ना कहीं अनफेयर है अपने आप में। नाउ तो इस प्रॉब्लम के बाद कई सारे केसेस आ चुके हैं भारत में कि इसको ठीक किया जाना चाहिए। अब आर्टिकल में राइटर का ये कहना है कि जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर से जो वहाँ के पुराने लॉज थे, लोकल फैमिली लॉज को रिप्लेस करके वहाँ पर सेंट्रल लॉ को ला दिया गया है, उसी तरीके से अभी हाई टाइम है जब ये जो पोर्टुगीज़ लॉ हैं गोवा और दमन दीव में और उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। ऑल्सो फॉर द फ्रेंच सिविल कोड स्टिल एप्लीकेबल टू द सेक्शन ऑफ इंडियंस इन पुडुचेरी, और पुडुचेरी में कुछ हद तक जो फ्रेंच सिविल कोड है वो लागू है, तो इसको हटाया जाना चाहिए। मतलब इतना पुराना कानून जो दूसरे फॉरेन नेशंस का भारत में एप्लीकेबल, उसको हटाने की सख्त आवश्यकता है। जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, वैसे ही इन जगह पर भी स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए। दिस विल बी इट्स प्रॉपर रोल इन लीडिंग द नेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन गोल ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आज के इतना ही, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।